फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब ढाबे में बैठे लोगों पर अचानक एक ट्रक चढ़ गया, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने इलाके की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को संतुष्ट करने में नाकाम रही। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में बेलगाम दौड़ने वाले ट्रकों का आतंक है और पुलिस की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती। फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब ढाबे में बैठे लोगों पर अचानक एक ट्रक चढ़ गया, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने इलाके की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को संतुष्ट करने में नाकाम रही। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में बेलगाम दौड़ने वाले ट्रकों का आतंक है और पुलिस की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ छह बंदे बैठे थे जी, ताश खेल रहे थे और ताऊ जी हमारे वो चरपाई पे आलती पालती मार के बैठे थे। वो ट्रक एकदम पता नहीं कितनी तेज स्पीड थी इसकी, इतनी तेज घूमा ये कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने ताऊ को और इनको बोला, मैंने कि भागो भागो, इतने में तो ताऊ का हाथ पकड़ के इतने में तो घुसेड़ दिया उसने अंदर। और ताऊ जी को तो हमने इसको पीछे धक्का मार के इसको पीछा किया है दो हाथ कम से कम, जब हम दोनों बंदों को निकाला है, जब हॉस्पिटल भेजे। कितने लोगों को जो है नुकसान हुआ? नुकसान दो आदमी तो ऑन द स्पॉट बता रहे हैं, वहाँ भी के ले गए, वहीं के से फोन आ गया, वो गुजर चुके हैं। दो आदमी खत्म हो गए। हाँ, क्या क्या नाम है उनके? नरेंद्र सिंह और वर्मा जी का नाम है ओम प्रकाश वर्मा जी। कितनी लापरवाही है भैया, पहले मैंने एक बार रोकना चाहा था, गांव वाले आए मेरे साथ में, बंदे मिले, सारी चीज मिली। क्या हुआ बहनचोद, पुलिस की मंत्री चल रही है सारी, मिली जुली सलकार है बहनचोद की सबकी। ये कांटा बंद होना चाहिए, लापरवाही हो रही है, सारी लापरवाही हो रही है। ट्रक भी यहाँ से हो चुके जी, ट्रक वालों का पूरा आतंक है, पूरा आतंक क्या मैं कह रहा हूँ, महातंक है पूरा। कोई लगाम नहीं है, कोई कुछ नहीं, लगाम नहीं है, पुलिस की पूरी मंत्री चल रही है। आज एक कैंटर यहाँ मुजेसर गांव के मोड़ पे, सेक्टर 24 से मुजेसर गांव का जो पॉइंट है टी पॉइंट, वहाँ पे उन्हें मोड़, शायद वो मोड़ते टाइम लेफ्ट जैसे टर्न किया, वहाँ खाट पे बैठे हुए कुछ लोग थे, उनके ऊपर चढ़ा दी, उसमें दो लोग घायल हुए, दो लोग उसमें एक्सपायर हो गए हैं और अभी घायलों का अभी पता नहीं चला है। फिर गाँव वालों ने यहाँ पे रोड जाम कर दिया है, तो अभी समझा रहे हैं इनको, शायद समझ जाएंगे। अच्छा, समझा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कार्रवाई का? हाँ, वो निश्चित कार्रवाई तो निश्चित रूप से वैसे ही होनी है, पर अभी वो लोग कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, यहाँ पे ये जो धर्मकांटा एक बना हुआ है वो गलत है, वो बंद होना चाहिए। तो वो उसका जो लीगल तरीका है, अगर वो गलत है तो संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। ट्रक को कब्जे में ले लिया है ट्रक ड्राइवर तो उसी समय मौके से भाग गया था, तो एक बार इससे फारिग होंगे तो ड्राइवर की तलाश भी करेंगे, ट्रक कभी वहीं खड़ा है मौके पे, तो एक बार ये रोड जाम खुलता है तो फिर कर देंगे।